RBSE बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज ट्यू में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और इस नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ क्वेश्चन पेपर जो कि 2018 का है, और आप ये पूरा वीडियो आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं क्लास 12th में। यहाँ पर आपको 7 डिजिट का रोल नंबर लिखना है, एंड आप ये सुनिश्चित कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस यानी कि पेजों की संख्या 7 है ना। व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज, टाइम आपको अलाउड होगा 3.25 घंटे का एंड पूर्णांक होगा 80 का। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश इस प्रकार हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर, किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने, और ये हर खंड के हर प्रश्न के अंक इसमें निर्धारित किए हुए हैं। कितने अंक के हैं और कितने शब्दों में या कितने पृष्ठ में लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 28 से 30 में आंतरिक विकल्प हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के प्रतिपादक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 उद्यमिता की एक विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 सर्वप्रथम विक्रय पर भारत के कौन से राज्य में लागू हुआ। विक्रय कर यानी कि सेल टैक्स। देखते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 निम्नलिखित को समझाइए। निष्पादित अनुबंध और निष्पादनी अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18 वस्तु एवं सेवा कर की कोई दो विशेषताएं समझाइए। इस खंड के हर प्रश्न 2 अंक के हैं। देखते हैं सेक्शन सी। हेनरी फेल द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित सिद्धांतों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अभिप्रेरणा का महत्व समझाइए, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26 एक प्रबंधक के रूप में ग्राहकों के प्रति कोई 4 सामाजिक दायित्वों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित बिंदुओं को समझाइए, बिक्री का विवरण और खरीद का विवरण। तो आगे देखते हैं सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंध में प्रबंधकों की निर्णयात्मक भूमिका को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 29, आपकी राय में विज्ञापन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आपको बताया गया है निर्देश में, इस खंड के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प हैं। 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, और मैं आपको बता दूं इस खंड के सभी प्रश्न के 6 अंक निर्धारित हैं। और इस खंड का 30वां प्रश्न यानी कि 30 अनुबंध अधिनियम में उत्पीड़न संबंधी वैधानिक प्रावधानों को समझाइए। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है, ध्यान रखें। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन पेपर बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय अध्ययन का 2018 का। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।